हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, डिवीज़न ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो टेबल है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो जो एल्गी है, इसके पहले तीन क्लासेज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तीन क्लासेज, पहली है क्लोरोफाइसी, दूसरी है फियोफाइसी और तीसरी है रोडोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी है उसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी। ठीक है, तो ये तीन आपको एकदम याद रखना है कि क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या होता है तो ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या होता है तो ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का रेड एल्गी। और वैसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होगा, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर, तो ये ग्रीन एल्गी का एग्जांपल का कॉमन नेम हो गया। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का हो गया। रोडोफाइसी यहाँ पे आर से शुरू होता है और यहाँ रेड एल्गी, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब क्लोरोफाइसी की अगर मेजर पिगमेंट की बात करेंगे, यानी कि ग्रीन एल्गी की अगर मेजर पिगमेंट की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है। सेल वॉल इसका सेल्यूलोज से बना होता है। फ्लैजुलर एंड नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ इंसर्सन इसमें 2 to 8 इक्वल और एपिकल होते हैं, यानी कि एपिकल मीन्स टिप पे होते हैं। हैबिटेट इसका जो है फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होता है, ये इन सब जगह पे पाया जा सकता है। तो मेनली आपको इसका ये याद रखना है कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, स्टार्च इसका स्टोर्ड फूड होता है और सेल्यूलोज जो है वो इसका से इसका सेल वॉल बना होता है। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, जितने तीनों जो इसकी क्लास है उसका, कि कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल। ठीक है, तो दूसरी फियोफाइसी है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं और इसके अंदर जो मेजर पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड सी होते हैं और फ्यूकोजैंथिन भी साथ में प्रेजेंट होता है। इसका स्टोर्ड फूड जो है मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है और इसका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज और एल्गिन से बना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका कि ब्राउन एल्गी का जो मेजर पिगमेंट है ए एंड सी है, फ्यूकोजैंथिन भी साथ में प्रेजेंट रहता है, स्टोर्ड फूड मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एल्गी। इसके दो अनइक्वल लेटरल होते हैं फ्लैजेला एंड ये जो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में ये भी पाया जाता है। रोडोफाइसी की बात करेंगे तो रोडोफाइसी रेड एल्गी को कहते हैं और मेजर पिगमेंट इसका क्लोरोफिल ए एंड डी होता है और साथ में फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। इसका स्टोर्ड फूड जो है फ्लोरिडिन स्टार्च होता है एंड इसका जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टीन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ठीक है, और फ्लैजुलर इसमें जो है और फ्लैजुला जो इसमें है वो एब्सेंट होता है और ये भी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट रहता है। तो एक चीज़ आपने अगर नोटिस किया हो कि तीनों एल्गी जो है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों में क्लोरोफिल ए जो है वो कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में कॉमन है और उसके बाद जो क्लोरोफिल बी है वो क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल सी है वो ब्राउन एल्गी में, डी है वो रोडोफाइसी में, उसके बाद फ्यूकोजैंथिन जो है वो फियोफाइसी में प्रेजेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फूड ग्रीन एल्गी का स्टार्च है, ब्राउन एल्गी का मैनिटोल और लेमिनेरिन है और रोडोफाइसी का फ्लोरिडिन स्टार्च है। तो इस तरीके से ये जो तीन पार्ट है, इधर कॉमन नेम, ये इधर चार पार्ट, सॉरी, तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी फ्लैजुला का नंबर याद है तो ठीक, वरना बहुत ज़्यादा इससे नहीं आता क्वेश्चन, पर इस तीनों से, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल से क्वेश्चन आते रहता है।